आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है। किराए के मकान को किराए के मकान इतना ही वैल्यू दिया जाता है, समझ में आया ना? इतना बस समझना चाहिए आपको। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा। वो इतना गंभीर रहिए ना कि जब आपके बगल में रहने वाले कुछ इस दिन आपकी हकीकत पता चले दम गिर जाएगी। इतने बड़े आदमी के साथ हम जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, जो ठेला रेडी पे बेचते हैं, जमीन पे बिछा के सब्जी बेचते हैं, इनसे बहुत ज्यादा मोलाई मत किया कि ये तिजोरी भरने के लिए नहीं कमा रहे, पेट पालने के लिए कमा रहे हैं। पानी में अगर आप अंडा को डालेंगे तो उबल के वो हार्ड हो जाता है, आलू को डालेंगे तो अपने आप को पिघला के नरम कर लेता है, लेकिन चाय पत्ती डालेंगे तो पानी को बदल देता है। तो हमें परिस्थितियों से नहीं घबराना है, परिस्थितियों को अपने कदमों की तरह उछल कर रख देना है कि देख तुझसे मेरे हौसले कितने बड़े हैं। याद रखिएगा, जिंदगी एक कलम की तरह है, एक कलम की तरह है। इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए, एक कहानी लिख दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां उस कहानी को पढ़कर दोहराएं। यहां पर दुनिया बोल नहीं मतलबी है, समझ रहे ना? यहाँ पे सबसे अच्छी भाषा है मतलब की भाषा। भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, ये सब भाषा साइड कीजिए, सबसे बढ़िया भाषा मतलब की। देखिए ना, जब किसी को मतलब रहेगा खूब प्रेम से बतियाएगा। कभी कभी हम रात में जैसे यहाँ से पढ़ा के जाते हैं तो लाइब्रेरी में क्या कहाँ कौन कौन लड़का है, सीसीटीवी कैमरा, अब तो वाईफाई हो गया, कहीं से देख सकते हैं, तो उसमें आवाज वाला भी लगा है। तो कल एगो लड़का बतिया रहा था, दूठो लड़का, बहुत फ्रस्ट्रेटेड। रात में गर्ल्स सब लाइब्रेरी अलाउ नहीं है, बट लड़का सब रात भर पढ़ते रहता है। एक तो सुबह सुबह बतिया रहा था, एकदम 5 बजे मेरा नींद खुला, हम सोचे लाइब्रेरी चेक कर लेते, तो गेटवा पे दोनों बतिया रहा था, तो लाइफ बर्बाद हो गया, आवाज आता रहता है। तो कह रहा है यार ये बात समझ में नहीं आता है, रतिया भर बतियाते हैं लेकिन ये नहीं समझ में आता है बतियाए क्या है। कमजोर व्यक्ति ही दूसरे काम का बदला लेता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ कर देता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होकर चलिए। एक चीज बहुत मायने रखता है कि टाइम पर, समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा समय दे, टाइम बहुत मायने रखता है। वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा करेगा कि आपका क्या करना है। अपनी कोचिंग छोड़कर एक दूसरी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए तकरीबन 107 करोड़, हाँ 107 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे, जिसको मना करके इन्होंने तय किया कि हम अपने कोचिंग में 200 रुपए में पढ़ाते हैं, हमको वो लेके चले जाते तो उसका लाखों चार्ज करते, गरीबों का क्या होगा सर? वाह क्या बात है सर। से शायद हम कुछ घर बना लेते, लेकिन ठुकरा कर जो बच्चों को पढ़ाया है ना, आज हिंदुस्तान के हर भारतीयों के दिल में मेरा एक घर है।